हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग एसिडिटी की बात करते हैं। है तो छोटी सी बीमारी, लेकिन कई बड़ी बीमारियों को उत्पन्न करने के लिए बेस बनाती है शरीर में। एसिडिटी को मेडिकल टर्म में GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से एसिडिटी के सिम्टम्स काज करता है। सामान्य भाषा में इसको एसिडिटी बोलते हैं, लेकिन है तो समस्या छोटी सी, इलाज भी इसका छोटा सा ही है। लेकिन यह है कि बस ध्यान दिया जाए तो, अगर ध्यान न दिया जाए तो कई बड़ी समस्याओं को उत्पन्न करता है शरीर में। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरीर की पूरी व्यवस्था को खराब कर सकता है। पेट की चीज़ों का अन्न नली में वापस आने की अवस्था को गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज GERD या एसिड रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं। पेट की चीज़ें अम्ली होने की वजह से वह अन्न नली के भीतर हिस्से को नुकसान पहुंचाती हैं। अन्न नली इसोफेगस को अन्न नली बोलते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्स करता है। तो देखिए, जो दाहिने वाला फिगर है ना, उसमें जो ओपनिंग है वो ठीक से बंद नहीं हो पा रही है, लेकिन लेफ्ट वाले में देखिए ओपनिंग ठीक से बंद हुई है, तो एसिड ऊपर नहीं जाएगा। तो लेफ्ट वाला नॉर्मल है और राइट वाला क्या है, एबनॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पर देखिए लोअर इसोफेगल इंस्फिंटर पाया जाता है, जो नीचे वाला एरो लगा है। तो इंस्फिंटर अगर ठीक से बंद हो जाएगा तो एसिड वापस नहीं जाएगा। तो नॉर्मल वाले में देखिए लेफ्ट वाले में क्या है कि इसोफेजियल स्फिंक्टर की सामान्य क्रिया के कारण आमाशय का अम्लीय द्रव आहार नली में नहीं जाता, रिटर्न नहीं करता। लेकिन अगर राइट वाले फिगर में जैसा दिख रहा है ना कि जो इसोफेजियल स्फिंक्टर असामान्य क्रिया के कारण एसिड ऊपर जाता है, तो उस वजह से जो इसोफेगस है उसमें जलन काज करता है। देखिए लिखा है बैक फ्लो ऑफ एसिड इन फ्रॉम स्टमक कंटेंट इनटू इसोफेगस, यानी स्टमक का कंटेंट वापस ऊपर चला जाए, बैक फ्लो हो जाए, स्टमक का कंटेंट इसोफेगस में पहुंच जाए, क्योंकि लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो इस वजह से एसिडिटी के लक्षण आते हैं, सीने में जलन या ग्रास नली मतलब इसोफेगस में एक जलन जैसी महसूस होती है। लेटने और झुकने पर यह और बदतर हो जाती है, यह कुछ घंटों तक लगातार हो सकती है और भोजन करने के बाद बढ़ जाती है। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं एसिडिटी के। ऐसे ही कुछ लक्षणों से, हल्के फुल्के लक्षणों से स्टार्ट होती है बीमारी और एक बड़ी बीमारी को उत्पन्न करने के लिए बेस उत्पन्न कर देती है। तो देखिए एसिडिटी के एक ही लक्षण नहीं, हजारों लक्षण हैं। कॉमन लक्षण यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सीने में जलन का दर्द, गले या गले के अंदर तक भी महसूस होने लग सकता है, कई बार पेट का अम्लीय द्रव गले तक वापस आ जाता है, जिससे जलन के साथ साथ मुंह और गले का स्वाद भी बिगड़ जाता है। पूरा एसिडिक कंटेंट स्फिंक्टर ठीक से काम न करने की वजह से वापस मुंह में आ जाता है। तो पेट में जलन, गले व में जलन व बेचैनी, तेज आवाज़ के साथ डकार आना, उल्टी जैसा महसूस होना और खट्टी डकारें आना। खट्टी डकारें इसलिए आती है ना कि एसिडिक कंटेंट खट्टा होता है, जो भी एसिड मटेरियल होते हैं सावर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, तो उस वजह से खट्टी डकारें भी आती हैं। और जीभ पर सफ़ेद परत जमा हो जाती है, ये एक इंडिकेटर है कि पेट खराब है, ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा। सांस में बदबू आना, मल में से तेज़ बदबू आना, दस्त लगना और कब्ज होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं एसिडिटी के, जो सब लोग जानते हैं। लेकिन इससे बचाव का तरीका है क्या कि आप नियत समय पर भोजन करें और नियत मात्रा में करें। नियत समय पर और नियत मात्रा में करेंगे तो जो भी एसिड बनेगा वो ठीक अमाउंट में बनेगा, अब पूरा डाइजेशन को बैलेंस रखेगा। अगर अनियमित हुए तो कई बड़ी समस्याओं को उत्पन्न करेगा ये। तो एसिडिटी का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। पहले ही दवा है बायो कम्बिनेशन 25 नंबर की, इसको डेली 3 टाइम 4 गोली जीभ पर रख जाइए, जीभ पर ही गलने दीजिए। और दूसरी दवा है चिलिडोनियम क्यू, बहुत अच्छा मदर टिंचर है सुपर डाइजेस्टिव बीमारियों को ठीक करने के लिए। चिलिडोनियम क्यू डेली 20 बूंद 1 कप पानी में डालकर 3 टाइम लीजिए। और दूसरी दवा है लाइकोपोडियम 200, डेली सुबह 4 गोली या 2 बूंद जीभ पर लेना है। और चौथी दवा है नेक्सबम का 30, डेली रात को सोने से आधा घंटे पहले
चार गोली या दो बूंद जीभ पर रख लीजिए। तो इस तरह से एसिडिटी से निजात पाई जा सकती है। और एसिडिटी से निजात पाने का सिंपल सा तरीका है कि प्रिवेंटिव मेजर अपनाना है। और प्रिवेंटिव मेजर में क्या करना है कि नियत समय पर नियत मात्रा में भोजन लें तो एसिड उतनी ही सिक्रेट होगा जितना कि यूज होने वाला होगा। अगर अनियंत्रित रखेंगे तो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है और पेट में जलन और दूसरी दिक्कतें जनरेट कर सकती हैं। तो ऐसा ना हो, आप स्वस्थ रहें, मेरी शुभकामनाएं। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी